आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से फिर से आ चुका हूँ बैंकुड़ा पे, जहाँ पर मैं देखूंगा कि बैंकुड़ा पे क्या क्या थीम्स की आयोजन किया गया है। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ लाल बाजार पे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या गया है, और ये है बिरयानी की दुकान जहाँ पर सामने फांड में आपको देखने को मिल जाएगी दुर्गा मंदिर। देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे खासे थीम किया गया है, तो बाद में जाके सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए अभी और भी बहुत सारे हैं, तो चलिए दिखाते हैं। अब हमारे ब्लॉग के साथ बना रहना सब लोग, अभी रास्ते पे हुआ हम। तो दोस्तों अभी से ब्रांडिंग स्टार्ट कर दिया गया है, देख सकते हो अभी सब कुछ रेडी। तो देखो अभी बहुत दिन बाकी है, ऐसा नहीं है, फिर भी दोस्तों देख सकते हो अभी सिर्फ और सिर्फ बम्बू यहाँ पर देखने को मिल रही है, और भी कुछ कपड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि देख सकते हो ब्रांडिंग ये सब कर दिया गया ऑलमोस्ट, और अभी भी काम चल रही है, और बहुत सारे मंदिर पर वहाँ पर ही जो मूर्ति है वो किया जा रही है, और बहुत सारे जगह पर खरीद के लाया जाएगा, तो वहाँ पर वो नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर खरीद के लाया जाएगा। तो देख सकते हो अभी सब कुछ रेडी कर दिया गया है, हालांकि अभी भी दुर्गा पूजा की जो दिन है बहुत ही देरी है, मगर देख सकते हो रेडी जो है अभी किया गया है, और भी बहुत सारे कुछ दिखाने वाला हूँ। चलिए यह है बैंकुड़ा रेल स्टेशन की फांड पे, मतलब कि रेल स्टेशन के अंदर पूरे एरिया के अंदर 3 से 4 ऐसे दुर्गा मंदिर है, ऐसे दुर्गा पूजा होती है, तो इसीलिए रेल स्टेशन पे क्या क्या है वो एक बार देख लो। फर्स्ट आपने देखा दुर्गा पूजा रेल स्टेशन में मोड़ के अंदर, और ये है फांड के अंदर। तो मैं आया हूँ दोपहर के समय, और अभी देख सकते हो कैसे देख रही है, और मेरे दोस्त दो है यहाँ पर आई है मेरे साथ, तो देख सकते हो अभी सिर्फ बम्बू यहाँ पर नज़र आ रही है, और कुछ इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थीम्स क्या होने वाली है, देख सकते हो एरिया। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे थे कि स्टेशन हम आए थे, तो रेल स्टेशन के साइड पे ये है देख सकते हो, तो ये है जो पूजा ये रेलवे से किया जाती है, देख सकते हो अभी सभी जगह पर जैसे कि बम्बू दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया, तो अभी देख सकते हो ये आप देख सकते हो ये जगह है, और हम सब मिल कर आए यहाँ पर, और देख लिया जैसे स्टेशन ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो स्टेशन ब्लॉग की भी देख लेना। थीम्स तो बढ़िया लगी, देख सकते हो पिछले साल कोरोना थे इसीलिए देख सकते हो लायन की जो लोगो है वो अभी बना हुआ है। अगर आप दुर्गा पूजा की एंजॉय लेने के लिए आप बैंकुड़ा पे आ रहे हो, तो थोड़ी बहुत समय लेके आना, क्योंकि एक दिन के अंदर आप पूरे बैंकुड़ा को घूम के पूरे जगह अच्छे तरीके से देख नहीं सकते हो, आपको 2-3 दिन के समय ज़्यादा लेना होगा। और अभी आप देख सकते हो इस जगह पर जैसे कि मूर्ति जो है वो यहाँ पर ही किया जा रही है, देख सकते हो प्रतिमा जो है अभी भी काम चल रही है, मगर बहुत सारे जगह पर प्रतिमा जो है वो खरीद के लाया जाएगा, तो देख सकते हो और भी बहुत सारे तरह तरह के काम चल रही है, अंदर हम नहीं घुस रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे यहाँ पर जो प्रतिमा है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सब कुछ धीरे धीरे किया जा रही है, और अभी भी काम चल रही है, मतलब कि लगातार काम किया जा रही है, जिससे जो है बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया जाए, जो थीम्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए। और यहाँ पर और एक ब्लॉग आ रहा है देख सकते हो यहाँ पर, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसकी चैनल को थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देना। तो देख सकते हो ये ऐसा दिया गया है, और सब कुछ काम चल रही है ऑलरेडी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि लाल बाजार की जो पेंडल है वो यहाँ पर से स्टार्ट कर दिया गया है, और देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये MI की सर्विस सेंटर, यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर से स्टार्ट कर दिया गया है, और बहुत टाइम अभी जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप बैंकुड़ा के अंदर रहते हो और आप बिरयानी की मज़ा लेना चाहते हो, तो यहाँ पर एक लाल बाजार के अंदर एक दुकान है जहाँ पर 110 रुपीज़ पे बहुत ही अच्छी बिरयानी मिल जाती है, मैंने टेस्ट भी किया है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉग आ रही है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो बहुत ही तगड़े लेवल की बिरयानी बनाता है, तो एक बार टेस्ट जरूर करना। दोस्तों बैंकुड़ा एक ऐसा जगह है, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर 100% अल्कोहल सेल होती है, तो 90% जो है वो बैंकुड़ा से बिलोंग करती है अल्कोहल लेने वाला, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है दुर्गा पूजा के अंदर, क्योंकि सब लोग डाउन हो जाते हैं तब, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के ध्यान में रखा है, इसीलिए बहुत सारे तरह तरह जगह पर स्कैम किया गया है, जिससे बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा, जिससे कि उस समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इस चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इस चीज़ के लिए इस वीडियो पर एक कॉमेंट तो बनती है, इस बारे में आपकी सोच क्या है। अगर दोस्तों यूट्यूब पर हम सक्सेसफुल ना हो पाए, तो यहाँ पर सप्तशी के जैसा एक 5-स्टार होटल खोलेंगे, और नीचे वाले जो कमरा है वो बार कर देंगे, जहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट होती रहेगी।
तो दोस्तों ये जो दुर्गा मंदिर है ये टोटली सप्तशी जो होटल है उसके फंड पे है। और दोस्तों इस जगह पे हार्ड टाइम कुछ ना कुछ होता रहती है जिससे कि सप्तशी होटल की जो सेल है वो बना रहती है और बहुत ही अच्छे से इनकम कर लेती है। और ये आप समझ सकते हो कि दुर्गा पूजा के टाइम पर उस जगह पर कितना ज़्यादा सेल होने वाली है। देख सकते हो बहुत ही अच्छे से थीम बनाया गया है। हम लोग कैमरा को घुसाने की कोशिश कर रहे थे मगर घुस नहीं रहा था और हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इस जगह पर क्योंकि बहुत सारे लोग थे और यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ दिखा रहा हूँ। और ब्रांडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, प्रमोशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। देख सकते हो बहुत ही तरह तरह की चीज़ की प्रमोशन किया गया है। और दोस्तों पूरे रास्ते पर ही देख सकते हो दोनों साइड पर बम्बू लगाया गया है जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइटिंग की फिनिश किया जाएगी। और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो जो यहाँ पर खेलना है जो बच्चे लोग खेलती है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेल किया जा रही है जिससे कि जो दुर्गा पूजा के अंदर तरह तरह की मेले में जाएगा वो यहाँ पर से सब कुछ खरीद सके। A few moments later. तो अभी मैं जिस जगह को आपको दिखाने जा रहा हूँ उस जगह की नेम है करानीवन बस स्टॉप की साइड पे और जो हाईवे है उसके फंड पे। देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से फिनिशिंग किया गया है और क्या क्या सीन यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि हर साल टॉप पे रहती है ये जगह और भी बहुत सारे जगह टॉप रहती है जैसे कि किसी किसी जगह पे कुछ अलग अलग थीम करता था मगर अभी कोरोना के चलते बहुत सारे जगह पर जो थीम्स है वो कम हो चुकी है और क्वालिटी भी कम हो चुकी है मगर अभी सब कुछ टॉप लेवल की होने वाली है। देख सकते हो क्या क्या सीन यहाँ पर किया गया है। अभी से लाइटिंग कर दिया गया है जिससे कि रात पर भी काम चल सके। देख सकते हो कितने ऊंचा किया गया है, करीब 3 महल से भी ऊंचा किया गया है देख सकते हो। और सिर्फ बम्बू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लकड़ी भी है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी प्रॉब्लम वो है कि इसके साइड पे जगह ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर चारों साइड पे दुकान ही दुकान और फंड पे जगह नहीं है। हालांकि पहले इतना ज़्यादा दुकान नहीं था मगर धीरे धीरे समय के चलते इतना ज़्यादा मार्केट बड़ा होता गया उतना यहाँ पर दुकान बढ़ता चला गया। देख सकते हो फंड जो है वो टोटली ब्लॉक है मगर हाँ जब समय आएगा तब ऊपर से भी थीम्स किया जा सकती है जिससे कि दुकान जो है नीचे रह सकती है। और अभी देख सकते हो बाम्बू यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी एक्स्ट्रा है जिसे सब कुछ किया जाएगा। और देख सकते हो ये जगह अच्छी तरीके से देख लो तो जब पूजा चलेगी तब भी वीडियो आ जाएगी तो नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखना और ज़रूर आपके साथ मुलाकात भी होगा। और यहाँ पर रेल क्रॉसिंग देख सकते हो कैसा, कोई भी यहाँ पर अटकाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जब चाहो पार हो सकते हो जब चाहो यहाँ पर रह सकते हो। देख सकते हो वहाँ पर भी एक पेंडल किया गया है, वहाँ पर भी पूजा है। और ये टोटली जो हाई ब्रिज है उसके नीचे है और हाई ब्रिज पर भी हमने पैदल चला था जब यहाँ पर हमने पानी देने के लिए गया था शिव जी के माथे में, तो उसकी भी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आई बटन पे है तो जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया था, पानी में टोटली गीला गीला हो गया था उस टाइम पे। देख सकते हो लोग कैसे जा रही है, वहाँ पर देख सकते हो साइकिल जो है वो कांधे लेकर ऐसे अच्छे तरीके से जा रही है जिससे जो ट्रेन आने से पहले आप वहाँ पर से जा सके। और यहाँ पर ट्रेन आने से पता चल सकती है एक ही चीज़ से, वहाँ पर ले लाइट जला जाती है। तो ये अभी घर जाने का समय, कालजुड़ी डंगा पर थोड़ी बहुत समय हमने रुका। देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी बहुत थीम्स को पता कर सकते हो, यहाँ पर एक एलिफेंट है और जो गेट है यहाँ पर टोटली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अंदर भी कंप्लीट हो रही है। तो घर जाने के समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हम 1 बजे से यहाँ पर रुके हुए हैं और अभी 4 बज रही है, बारिश इतना ज़्यादा है कि हम लोग निकल नहीं पा रही है देख सकते हो यहाँ पर। और बहुत सारे लोग बस पर चढ़ा गया मगर मैंने तो साइकिल लेके घर से निकला। A few moments later. तो फाइनली शाम के 4:30 बजे हम निकले। तो आप लोग अभी चले मत जाना, अभी भी एक दुर्गा मंदिर बाकी है। तो दोस्तों हम लोग करीब 5 घंटे से वेट कर रहे थे वहाँ पर और अभी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत पानी अभी भी चल रही है मगर हम लोग निकल चुके हैं। देख सकते हो इसी कहते हैं ब्लॉगिंग की नशा, ठीक है। तो चलिए अभी घर जाके मिलता है, सर घर में नहीं कंचनपुर पे भी एक मिला है वहाँ पर भी दिखाएंगे। 2000 years later. तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बारिश इधर हुई है, सब कुछ गीला गीला हो गया है, हम लोग इसीलिए निकल नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जगह है वही भी टोटली क्लीन हो चुकी है बारिश से।
तो दोस्तों अभी देख लिया, जैसे कि आप देख सकते हो, तो अभी हम घर जा रहे हैं और हमारे विलेज में कोई भी ऐसे पूजा नहीं होती है जिसके वजह से मैं वहाँ पर कोई भी ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए बहुत सारे बाहर बाहर जगह जाऊंगा। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉग है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। देख सकते हो हमारे कंचनपुर के अंदर ऐसा किया जाएगी पेंडल, बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगी। दोस्तों चलिए, तब तक के लिए घर पर ना सेवन ना ऐसे ब्लॉग के साथ प्यार दिखाते रहना। चलिए दोस्तों, बाय।